नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सुपर टेट 2022 अर्थात प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2022 पर चर्चा करेंगे कि क्या संभावना बन रही है शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। साथियों, देखा जाए तो जिस तरह से छात्र शिक्षक अनुपात को बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो डाटा बनाया गया अर्थात शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जब पेश किया गया तो उसमें दिखाया गया कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है और प्राथमिक शिक्षक की जगह ही रिक्त नहीं है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें संविदा कर्मचारियों को अर्थात शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को सम्मिलित करके प्राइमरी और जूनियर का डाटा को छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर दिखाया गया, यह तो उचित नहीं है। और साथियों, अब क्या होगा अर्थात कैसे यह माना जाए कि शिक्षक भर्ती अब कब तक आ सकती है या शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कब सूचनाएं सही मिल पाएंगी। साथियों, जैसा कि विभाग के द्वारा 2 करोड़ बच्चों का लक्ष्य रखा गया था एडमिशन के लिए, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 1 करोड़ 80 लाख के करीब एडमिशन भी हो चुके हैं। अभी जुलाई में ज्यादा से ज्यादा नामांकन हो गए, कक्षाएं तो 16 जून से प्रारंभ हो जाएंगी बेसिक के स्कूलों में, तो 16 जून के बाद एडमिशन शुरू हो जाएगा। और माना जाता है और आप लोग को पता भी है कि जुलाई में ही सबसे ज्यादा नामांकन होते हैं, क्योंकि पहले सत्र जुलाई से चलता था, अब सत्र अप्रैल से चल रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नामांकन जुलाई में ही होता है, क्योंकि गर्मी में बच्चे छुट्टियों का आनंद लेने के लिए अपने मामा के घर, मौसी के घर आदि रिश्तेदारी में चले जाते हैं, तो जुलाई में ज्यादा से ज्यादा नामांकन होगा और सितंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। अब इसी बीच जब सितंबर के पूर्व तक जब डीएलएड के प्रशिक्षु, बीएड के प्रशिक्षु, एनआईओ डीएलएड के प्रशिक्षु और यहाँ तक कि आप लोगों को पता है कि शिक्षा मित्रों को तीसरी बार वेटेड देने की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो सरकार ने उनको 1 वर्ष की सेवा पे 2.5 अंक अधिभार देने की बात कही थी, अधिकतम 25 अंक और 1 वर्ष की सेवा पे 2.5 अंक, यही अधिभार की बात हो रही थी, तो यह उनके गुणांक में सीधा जुड़ता था जिससे उनका गुणांक काफी हाई हो जाता था। अभी बहुत से शिक्षा मित्र सीटेट और यूपीटेट पास करके वेट कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आएगी और उसमें उनको अधिभार मिलेगा और उनका लाभ हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक में उनकी मेरिट अब आज के मेरिट के अनुसार कम हो गई है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो भी चयनित हुए हैं 2009 के पूर्व चयनित हुए हैं, तो उस समय की मेरिट और आजकल जो मेरिट है उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, तो अधिभार मिलेगा तब वो बीटीसी और बीएड के इक्विवेलेंट आ करके वो भी नौकरी पा जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी बार उनको मौका मिलने जा भी रहा है, लेकिन उनके द्वारा कहीं से कोई स्टेटमेंट, कोई प्रयत्न मुझे तो नहीं दिखा सोशल मीडिया पे या कहीं भी कि उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा हो शिक्षक भर्ती के लिए। शिक्षक भर्ती के लिए केवल सबसे ज्यादा डीएलएड और कुछ बीएड के भी लोग प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग नाराज होंगे कि बीएड को क्यों कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि जितने भी प्रशिक्षु आंदोलन कर रहे हैं ज्यादातर उसमें डीएलएड के ही हैं, बीएड के भी प्रशिक्षु बहुत हैं, लेकिन बीएड के टोटल ए टू जेड जितना चाहिए उतना वो लोग खुल करके सामने नहीं आ पा रहे हैं। योगदान सबका है, तो सब लोग मिल करके अगर सितंबर के पूर्व तक सरकार से अनुरोध करेंगे, मांग करेंगे और इधर नामांकन भी बढ़ेगा, तो हो सकता है कि इस 2022 में शिक्षक भर्ती के संदर्भ में सरकार कुछ विचार करे और हो सकता है शिक्षक भर्ती आए। वैसे उनको भी पता है, आंकड़ा तो उन्होंने बराबर दिखा दिया, लेकिन उनको भी पता है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वह रेगुलर टीचर से कवर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको संविदा कर्मी को भी सम्मिलित करके, और संविदा कर्मी में भी रोष है कि उनको तो शिक्षक के समान छात्र शिक्षक अनुपात में सम्मिलित तो कर दिया गया है और उनको मिलता कितना है, उनको केवल 10,000 रुपये मिलता है, तो उनके अंदर भी यह रोष व्याप्त है। तो कहने का प्राय यही है कि नामांकन में वृद्धि तो होनी ही है, क्योंकि अभी तक जो डाटा आया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 2 करोड़ में लगभग 1 करोड़ 90 लाख के करीब एडमिशन हो गया था और यह 2 करोड़ से ज़्यादा का टारगेट पूरा होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि बेसिक के स्कूल भी अब बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित हो रहे हैं और सरकार उनमें सुख सुविधा भी ज़्यादा मुहैया करा रही है, विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था,
और प्रिंट रिच मटेरियल आदि व्यवस्था आप अगर पहले प्राइमरी विद्यालय में कभी गए होंगे और आज जाकर के देखिए तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा आपको। तो अब यही है कि सभी लोग जब मिल करके प्रयास करेंगे, और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रजत सिंह के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था, और उनका कहना था कि उप मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी से तीन लोगों की वार्ता हो जाए, मतलब तीन सदस्यीय टीम की क्या हो जाए, वार्ता हो जाए। तो अगर मुख्यमंत्री के पास ये लोग मिलते हैं और अपनी बात रखेंगे कि जो छात्र शिक्षक अनुपात बराबर दिखाया जा रहा है, वो शिक्षा मित्र और अनुदेशक को समृद्ध करके दिखाया जा रहा है, तो इससे हो सकता है कि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में सरकार की तरफ से कुछ आदेश आया था, सीएम की तरफ से कुछ आदेश आए। तो अब यही है कि अभी तक जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, उस परिदृश्य में तो शिक्षक भर्ती कहीं दिखाई नहीं दे पा रही है, क्योंकि जो हालात इस समय बने हुए हैं और कहीं भी इसके संदर्भ में कोई सकारात्मक चीज़ें, चाहे बेसिक के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा भी नहीं कहा जा रहा है। और आपको पता है कि शिक्षकों के हित के लिए अक्सर बस शिक्षक अगर पीड़ित होते हैं या कुछ बात होती है तो शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं, और शिक्षा मंत्री जी खुद जब छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर दिखाने के चक्कर में है तो कैसे माना जा सकता है कि उनका कुछ सकारात्मक चीज़ें इसमें दिख रही हैं। तो शिक्षक भर्ती और अगर देखा जाए तो जितना शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था और जो पद खाली थे उतने पदों पर भी भर्ती नहीं आई, क्योंकि 68,500 में 22,000 सीटें रिक्त हैं। तो जो सीटें रिक्त हैं, अगर उतना भी शिक्षक भर्ती आ गई होती तब भी कम से कम ये जो हम लोग कह रहे हैं कि तीन वर्षों से चार वर्षों से हम लोग वेट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, तो यह नहीं कहने को मिलता। जब 17,000 मात्र शिक्षक भर्ती की आज जगह थी तब भी कुछ लोग उत्साहित थे कि चलिए 17,000 ही आज आ रही है तो कुछ न कुछ, क्योंकि 97,000 की मांग की हो रही है। 97,000 शिक्षक भर्ती एकाएक अपने आप में आना अब असंभव दिख रहा है, क्योंकि वास्तव में इतनी बड़ी भर्ती सरकार लेकर के नहीं आएगी। आप लोगों ने 68,569 शिक्षक भर्ती देखा, तो शिक्षा मित्रों का जब समायोजन रद्द हुआ था तब इतनी बड़ी भर्ती आप लोगों ने दो भर्तियों में देखा, तो डायरेक्ट अब इतनी बड़ी भर्ती अगर कोई कह रहा है कि आ जाएगी तो अब उनकी बात है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, 50,000 तक तो भर्ती एक बार में देखने को मिल सकती है, अगर सरकार चाहे तो इतनी भर्ती तो ला सकनी है। और बाकी अगर 50,000 नहीं तो कम से कम जो 22,000 पद रिक्त हैं, कुछ रिटायरमेंट टीचर को जोड़ते हुए कम से कम 30,000 प्लस की भर्ती अगर आ जाए तब भी बहुत से युवा जो इंतजार कर रहे हैं उनका फायदा हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं साथियों, कि अगर देखा जाए तो 50% अगर हम लोग कुछ आशा में हैं तो 50% हम लोग निराशा में भी हैं। अर्थात जो भी इस समय का जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है वह एकदम 50-50 पे एकदम रुका हुआ है, कि कहीं कहीं अब बस यही है कि अब 50 से अगर और भी पॉजिटिव करने के लिए सब लोगों को मिल करके प्रयास करना होगा। तो अब इसमें भी देखा जाए तो डीएलएड में भी कई प्रयास करने के लिए कई मतलब लोग हैं, अलग अलग स्तर से प्रयास करते हैं, वह कभी एक मंच पे एकजुट हो ही नहीं पाए। अगर देखा जाए तो एक मंच पे एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके वो लोग चल नहीं पाए। तो वही अलग चीज़ें हैं, सबको अपनी राजनीति करनी है। जो लोग डीएलएड के जो युवा नेता हैं उनको आगे हो सकता है कि राजनीति में आना हो, तो तमाम प्रकार की बातें। वैसे शिक्षक भर्ती के हित में बात कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश में उनको प्रशिक्षु सभी उनको जान रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका टारगेट अलग हो, तो कोई किसी के साथ गठजोड़ या मिल करके काम नहीं करना चाहता। जो भी चाहते हैं कि हमको श्रेय टोटल एक ही लोगों को श्रेय मिले, तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो अब लेकिन यही कि प्रयास तो उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है, बाकी आम प्रशिक्षु तो कोई अपनी तैयारी कर रहा है, कोई इस बात पे बैठा हुआ है कि जब शिक्षक भर्ती आएगी तब देखा जाएगा सरकार। तो यही सब चीज़ें हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यही माहौल बना हुआ है। बाकी अब जुलाई के बाद जब स्कूल आगे संचालित हो जाएगा, नामांकन बढ़ेगा और छात्र यह प्रशिक्षु मांग करेंगे, तो हो सकता है कुछ देखने को अच्छा मिले, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोगों को पता भी है कि सरकार एकाएक कब को क्या फैसला ले ले इसके संदर्भ में कोई जानता नहीं, तो बहुत सी चीज़ें पहले से ओपन नहीं होती हैं। हो सकता है सरकार इसके संदर्भ में कुछ बात दिख रही हो, कुछ इसके संदर्भ में वो आगे कोई रणनीति लेकर के आए,
तो बस आशा हम लोग यही कर सकते हैं कि अगर शिक्षक भर्ती बहुत लेट हुआ है, अब जल्दी से जल्दी आ जाए जिससे आप लोगों का भला हो जाए, आप लोग उसमें फॉर्म अप्लाई करें, चयनित हों और एक अच्छा टीचर बने और बच्चों को पढ़ा करके और समाज को और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।